नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा इस समय की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके द्वारा ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, सर्विसेज प्रॉपरली नहीं दे रहे। ऐसे में एक ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया गया है, जिसमें हम आपको बता दें कि तीन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है वो सर्विसेज से निकाल दिया गया है। वजह क्या रही है वो भी पूरी तरह से बताएंगे, लेकिन ये जो एक्शन है ये नया एक्शन नहीं है। इससे पहले भी कई दफा जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा कई सारे जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके ऊपर इस तरह का जो एक्शन है वो लिया गया है। ये तीन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे ये पेशे से टीचर थे और इनको आर्टिकल 113 और आर्टिकल 128, जो कि जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज का जो रूल है उसके आर्टिकल को देखते हुए इनको इनकी सर्विसेज से निकाल दिया गया है। और इसमें हम आपको बता दें कि ये तीनों टीचर हैं। पहला नाम मिस्टर सुनील रैना, जो कि मोती मोहल्ला श्रीनगर के बीच में अपनी वहां पर इनकी ड्यूटी थी, और आर्टिकल 113, क्योंकि आर्टिकल 113 है, 113 है, वो ये कहता है कि आफ्टर 5 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस एब्सेंस ऑन लीव एन ऑफिसर इज कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ स्टेट एम्प्लॉय। ये आर्टिकल 113 कहता है। और आर्टिकल 128 ये कहता है कि एब्सेंस विदाउट लीव और आफ्टर द एंड ऑफ लीव इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ अपॉइंटमेंट। तो अब ये दोनों जो आर्टिकल है इसके तहत इनको, इन लोगों को जो है वो टर्मिनेट किया गया है, इनकी जॉब से निकाला गया है। वो क्यों निकाला गया है? क्योंकि एक तो लंबी इनकी जो एब्सेंस थी वो देखी गई थी, ये ड्यूटीज पे नहीं जाते थे, और इसकी वजह से जो एक मीटिंग हुई जिसमें डेजिग्नेटेड कमेटी जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट की गई और उसके तहत फिर ये जो फैसला है वो लिया गया। सुनील राणा जो कि टीचर थे, और उसके साथ साथ श्रीमती रंजीत कौर जो कि बारामूला हायर सेकेंडरी स्कूल के बीच में डिप्लॉयड थी, वहां पर इनकी ड्यूटी थी, लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस और दूसरी बात वहां पर इनकी एक एब्सेंस जो है वो लंबे अरसे से देखी गई विदाउट एनी रीजन। तो इस तरह का जो एक ऑर्डर है इनके लिए निकाला गया है। उसके साथ साथ तीसरा जो एम्प्लॉय है उनका नाम है श्रीमती अरुमिला कोल, ये भी पेशे से टीचर है, और BHS बारामूला के बीच में इनकी भी ड्यूटी थी, और इनके ऊपर भी जो आर्टिकल 113 और आर्टिकल 128 के तहत जो है वो कार्रवाई की गई है। आर्टिकल 113 मैं एक बार फिर आपको बता दूं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर सिविल सर्विसेज रूल के तहत आर्टिकल 113 ये कहता है कि आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एब्सेंस ऑन लीव एन ऑफिसर इज कंसिडर टू बी आउट ऑफ स्टेट एम्प्लॉय, और आर्टिकल 128 ये कहता है कि एब्सेंस विदाउट लीव और आफ्टर द एंड ऑफ लीव इन्वॉल्व लॉस ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी कि लीव अगर आपने जो एब्सेंस आपने मतलब आप वहां पे प्रेजेंट नहीं है विदाउट लीव, या फिर आपकी लीव खत्म हो गई है और आपने आकर ज्वाइन नहीं किया या इंटीमेट नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो अपॉइंटमेंट को आपकी खतरे में डाल सकता है। और इस तरह का जो ये ऑर्डर है ये निकाला गया है, तीन एम्प्लॉयज के ऊपर जो है वो गाजगिरी है। पेशे से ये तीनों टीचर थे, श्रीनगर के बीच में ये जो थे इनकी ड्यूटीज थी, लेकिन वहां पर परफॉर्मेंस और दूसरा ये वहां पर अपनी ड्यूटीज पर मौजूद ही नहीं थे। तो ये जो गाज है वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इनके ऊपर गराई गई है। आपको बता दें कि रिसेंटली भी कुछ प्री मैच्योर जो रिटायरमेंट्स थी वो दे दी गई थी,
आपको वो खबर भी जम्मू परिवर्तन ने बताई थी, और कई सारे जो सरकारी मुलाजिम हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही उनके ऊपर उनको टर्मिनेट किया गया। और ये जो जम्मू कश्मीर की इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है और खास तौर पर एलजी मनोज सिन्हा जिनके द्वारा ये ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लिए जा रहे हैं और दूसरा जो सरकारी मुलाजिम है और अपने काम पर प्रॉपरली ध्यान नहीं देते, अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली नहीं वो परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह के एक्शंस जो हैं उनके ऊपर लिए जा रहे हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।